हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनिराज फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस का सब्जेक्ट चल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, अंतिम प्रहार का चौथा क्वेश्चन मैं लेकर आ गया हूँ। जल्दी से देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। मिलर एंड मोदी गिलानी मोदी गिलानी है वैसे तो, ये इनका नाम मोदी गिलानी एंड मेट्रॉन मिलर है, ये दो है। ये मोदी गिलानी है, आप अलग मत समझना, एक ही बंदे का नाम है और मिलर साहब है। इसकी थ्योरी बार बार आती है, इसका न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है और इसकी थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। अब ये थ्योरी क्या है, पहले बेसिकली समझ देते हैं। ये बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर की एक थ्योरी है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, जब कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कुछ बोरोइंग करनी होती है, लॉन्ग टर्म के लिए फंड की व्यवस्था करनी होती है, तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर में आता है। कैपिटल स्ट्रक्चर कहता है कि लोन ले सकते हो आप, है ना, आप लोन ले सकते हो, आप शेयर इशू कर सकते हो, आप डिबेंचर इशू कर सकते हो, ठीक है, डिबेंचर इशू कर सकते हो, और लोन शेयर के अंदर भी यहाँ पर इक्विटी की बात कर रहे हैं इसके अंदर अभी, मतलब ठीक है, इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो, डिबेंचर इशू कर सकते हो, या प्रिफरेंस शेयर इशू कर सकते हो, या खुद ओन फंडिंग कर सकते हो। ओन फंडिंग, ओन फंडिंग का मतलब कि खुद ही पैसा अपन लगा रहे हैं, अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं। इसके अलावा तो फंड कहाँ से लाओगे, इसके अलावा तो हमारे को फंड चाहिए होगा, तो कैपिटल स्ट्रक्चर में ये फोर पॉइंट्स है। ओन फंडिंग करोगे, लोन करोगे, इक्विटी शेयर से पैसा लाओगे, डिबेंचर से लाओगे, या प्रिफरेंस शेयर से लाओगे। अब ये जो मोदी साहब की मेथड है, एमएम मॉडल है, ये कह रहा है, ये कैपिटल स्ट्रक्चर से संबंधित है। ये बात आपको क्लियर हो गई, ये मॉडल बड़ा ही सिंपल मॉडल है और यही मॉडल आजकल चल रहा है। मतलब अपना जो शेयर मार्केट है, अपना जो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट है, वो एमएम मॉडल ही रन करता है। अब ये मॉडल क्या कह रहा है, ये मॉडल ये कह रहा है कि आप जब शेयर इशू करते हो, आप डिबेंचर इशू करते हो, डेप्ट इशू करते हो, तो कंपनी को क्या होता है कि कंपनी को लॉस होता है। मतलब जो ओल्ड ट्रेडिशनल थ्योरी थी, उनका ये कहना था कि कंपनी को डेप्ट इशू करोगे तो लॉस होगा, कंपनी की वैल्यूएशन में इम्पैक्ट आएगा। एमएम मॉडल कह रहा है नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी होता नहीं है। कंपनी कितना भी ब्याज इशू करे, कंपनी कितना भी ब्याज भरे मतलब, और कितना भी लोन इशू करे, उसमें कंपनी को कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब सर क्या कहना चाह रहे हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कंपनी की एक होती है वैल्यू, कि कंपनी 100 करोड़ की वैल्यू है, 200 करोड़ की वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी का शेयर प्राइस मार्केट में फिक्स होता है। ये बात तो आपको समझ में आ गई। या कंपनी अपना जब आईपीओ इशू करती है तब भी कंपनी की वैल्यू काम आती है। तो ये वैल्यू का एमएम मॉडल कह रहा है, क्या कह रहा है कि ये जो वैल्यू है इसमें डेप्ट का कोई लेना देना नहीं है। मतलब आप कितना डेप्ट इशू कर रहे हो, इक्विटी इशू कर रहे हो, प्रिफरेंस शेयर इशू कर रहे हो, लोन ले रहे हो, उसका कोई भी लेना देना नहीं। कंपनी की जो वैल्यू है वो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट से डिसाइड होगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि कंपनी ने इस साल कितना कमाया, इस साल कितनी अर्निंग रही, कंपनी की अर्निंग डिसाइड करेगी कि कंपनी को कितना स्ट्रक्चर मिल रहा है। बात समझ में आई, ये है बेसिक मॉडल। तो एमएम मॉडल बहुत रिलेवेंट मॉडल है, बट ये इरिलेवेंट थ्योरी के अंदर आता है ना। उनका कहना यह है कि कंपनी की वैल्यू डेप्ट से कोई लेना देना नहीं है। इनका यह कहना है कि अभी जो है यहाँ पर जो ब्रेन वाले हैं, सारे के सारे जितने भी कस्टमर्स हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, उन सब में दिमाग है, वो रैशनल हैं, है ना, वो सोच समझ के फैसला लेते हैं, ऐसे हवाबाजी में फैसला नहीं लेते कि टिप आई है भाई, टिप आई है, ऐसा नहीं करते। वो सारी बातें कंपनी की जानते हैं कि कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, कितना लॉस में है, और उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू डिसाइडेड हो रही है। इनका कहना है कि ऑपरेशनल जो प्रॉफिट है उसी से ही सारी चीज़ें डिसाइड होगी, कंपनी की डेप्ट इक्विटी से डिसाइड नहीं होगी। इसी को ही एमएम मॉडल बोला गया है। और ये एमएम मॉडल हाइपोथेसिस है, इज अ कैपिटल स्ट्रक्चर इररिलेवेंस प्रोपोजिशन में आती है, फंडामेंटल थ्योरी है फील्ड ऑफ कॉरपोरेशन फाइनेंस। डेवलप किसने करी है, मोदी गिलानी, मेट्रॉन मिलर ने करी है, इसलिए इसको एमएम थ्योरी बोलते हैं। इसके बेसिक टर्म्स क्या है, बेसिक टर्म्स क्या रहा है, कैपिटल स्ट्रक्चर इररिलेवेंट रहता है, यानी कि आपके जो वैल्यूएशन है वो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर से उसका कोई लेना देना नहीं है। कि आप कहीं से भी पैसे की व्यवस्था करो, उससे कंपनी की वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है। और आज होता भी यही है, जब हम मार्केट में जब जाते हैं, जब शेयर बाय करने जाते हैं, तो हम ये नहीं चेक करते हैं कि वो 500 करोड़ की कंपनी है या 5000 करोड़ की कंपनी है। हम ये चेक करते हैं उसने लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट कमाया, क्या प्रॉफिटेबल है या नॉन प्रॉफिटेबल है। तो यहां पर ये इनकी बात आती है। सेकंड कह रही है कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है और टैक्स नहीं लगता, इनका ये मानना है
कि आप कितनी भी बार शेयर बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, या आप कोई भी डिबेंचर इशू कर रहे हो, प्रिफरेंस शेयर इशू कर रहे हो, लोन ले रहे हो, उसका कोई भी ट्रांजैक्शन की कॉस्ट नहीं होती। और ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर कंपनी है जहां ये टैक्स नहीं दिया जाता। आगे जाके सेकंड प्रपोजिशन में इन्होंने टैक्स की बात मानी है, लेकिन फर्स्ट प्रपोजिशन में इन्होंने नहीं मानी। ठीक है, अब होममेड लीवरेज रहता है। अब लीवरेज क्या, अपन ने जैसे कि वो तीन लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंस लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज, तो होममेड कैसे, क्योंकि यहां पर जितने भी चीजें हैं वो इरिलेवेंट है। इरिलेवेंट होने के कारण हमारा जब फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इरिलेवेंट हो गया, तो हम हमारे अकॉर्डिंग अपने लीवरेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देयर इज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग यहां पे एक इन्होंने पॉइंट बोला, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एमएम सजेस्ट दैट द कॉस्ट ऑफ द इक्विटी इंक्रीज एज द फर्म टेक्स द मोर डेब्ट। ये कहने का कोशिश कर रहे हैं कि इक्विटी कि कॉस्ट और बढ़ जाएगी यदि वो ब्याज ज़्यादा लेंगे, तो उधार ज़्यादा लेंगे तो इक्विटी बढ़ जाएगी। क्यों कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि जब वो उधार ज़्यादा लेंगे तो रिस्क ज़्यादा होगी कंपनी को, क्या लगेगा। अब कोई कंपनी अगर ब्याज ज़्यादा ले रही होगी, उधार ज़्यादा ले रही होगी, मान लेते हैं कंपनी पे 200 रुपये उधार लिया है ना, कंपनी की टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में 300 रुपये है, कंपनी 200 रुपये उधार लेकर आई है, यानी एसेट साइड में जो टोटल मिल रही है बैलेंस शीट की वो 300 रुपये मिल रही है, 200 रुपये तो उधार का है, तो इक्विटी वाले क्या सोचेंगे, भाई हमारा पैसा कब चुकाओगे, हमारा पैसा चुकाओगे उसके बाद जब पहले। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात और जाननी जरूरी है कि जब भी कंपनी का दिवालिया होता है यानी सॉल्वेंसी होती है, तो सबसे पहले डेब्ट वालों को पैसा दिया जाता है, यानी कि उधार, थर्ड पार्टी, उसके बाद इक्विटी, जो घर के ओनर रहते हैं उनको बाद में पैसा दिया जाता है। ठीक है, जैसे घर में आता है कोई तो खाने के लिए सबसे पहले बाहर वालों को पूछा जाता है, उसके बाद घर वालों को कहता है कि हाँ अब तुम खा सकते हो। इसका मतलब है कि जमाई जी आए तो उन्हीं को पूछना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि डेप्ट पहले पेमेंट होता है, इक्विटी बाद में पेमेंट होता है। यदि डेप्ट बढ़ता है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ती है, क्यों, क्योंकि क्या रिस्क ज़्यादा हो रही होती है, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। और सेकंड, फर्स्ट प्रपोजिशन क्या कह रहे हैं, कोई टैक्स नहीं है, स्टेट डेट द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इज द सेम, यहाँ पे टैक्स नहीं है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, ये दो इनकी मेन प्रपोजिशन है, दो हाइपोथेसिस आप कह सकते हो। अब इसका रियल वर्ल्ड के अंदर इनसाइट कहता है कि थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है कैपिटल स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज रियल वर्ल्ड मार्केट। ठीक है, अब रियल वर्ल्ड के अंदर जब अपन इसको रिकॉग्नाइज करने जाते हैं, तब हमको ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी लगती है, टैक्स बेनिफिट, टैक्स भी लगता है, तो वहाँ जाके ये थ्योरी जो है सम काइंड ऑफ एक्सेप्ट नहीं करी जाती। लेकिन फिर भी ये इसकी जो बातें हैं, इसकी जो हाइपोथेसिस हैं, वो यूजुअली मानी जाती है, यानी कि जो टैक्स नहीं है, या ये कह देते हैं कि, और फिर ये जब इसके जो फेवर में बोलते हैं कि टैक्स तो नहीं है, जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो टैक्स तो नहीं है, वो बैलेंसिंग एक्ट है। बैलेंसिंग एक्ट क्या है कि जो हम ब्याज दे रहे हैं उससे अगर हम कोई कंपनी टैक्स दे रही है तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से ही माइनस होकर दे रही है, इंटरेस्ट कम दे रही है तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से ही माइनस होकर दे रही है, तो वैल्यू में तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, इनका ये कहना है। बात समझ में आई, तो ये पूरी की पूरी थ्योरी अभी PDF फॉर्म में आपको मिल जाएगी, अच्छे से इसको याद कर लेना। MM थ्योरी का न्यूमेरिकल भी आ जाता है कभी कभी, है ना, कभी कभी भूले भटके कभी कभी आ जाता है, लेकिन थ्योरी के ज़्यादा चांसेस रहते हैं हमेशा, तो इसलिए थ्योरीज की अच्छे से देख के जाना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमला बोलते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।